दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने अज एक बार फिर किसान अंदोलन नू लेके मोदी सरकार उत्ते तिखा हमला किया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अज श्री गुरु तेग बहादुर जी दे शहीदी दिवस समागम मौके उत्ते गुरुद्वारा रकाबगंज विच बोलदे हुए कहा कि अज एक बार फिर केंद्र सरकार ते मीडिया सिखां नू खालिस्तानी अते आतंकवादी बनाउण विच जुटिया होया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों अज गुरु तेग बहादुर साहब जी दे महान शहादत नू समर्पित अज दिहाड़ा सारे गुरु घरां दे अंदर विशेष तौर पर मनाया जा रहा और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब अंदर वड्डे दीवान सजाए गए ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जो महान शहादत दित्ती है मानवता दे वास्ते और विशेष तौर पर उस वेले हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते तिलक नियोग की रक्षा वास्ते जो अज शहादत दित्ती अज दा वो दिन सी जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी की महान शहादत हुई। जिथे असी उन्हां दी शहादत अगे नमन आ उत्थे ही इसने दुनिया नूं बहुत वड्डा संदेश दित्ता। आने वाला समा खास तौर पर गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साल प्रकाश पुरब आ रहा, सानू उम्मीद है कि देश और दुनिया के लोग इस एहसान को समझणगे और जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी के इस महान दिहाड़े को मनावांगे 400 साल प्रकाश पुरब में तो उदो दुनिया गुरु साहब के चरणों नमन होगी। अज किसानों वास्ते असी भी विशेष तौर पर अपील भी की अरदास भी की आ क्योंकि गल किसानी की नहीं गल बेइंसाफी की आ गल जुल्म की आ गल धक्के की आ और धक्का जुल्म कभी भी असी बर्दाश्त नहीं किया उदे वास्ते भावें कुछ भी करना पवे पर कभी सिख ने इस जुल्म नू और धक्के नू बर्दाश्त नहीं किया। इस करके अज भाई पिंदरपाल सिंह जी ने भी बहुत सोहणे अल्फाज़ां दे अंदर संगत नू यह बेनती जोधरी अरदास की कि तुसी भी इस मुहिम का साथ दिओ और इस धक्के नू कभी भी असी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने इतों तक कहने मजबूर होए कि मैं कभी किसी संघर्ष अंदर कभी किसी धरने प्रदर्शन च नहीं साथ दिता पर यह धरना प्रदर्शन जिहड़ा है जो मैं देखता है कि छोटे छोटे बच्चे मातावां साडियां भैणां बीबियां बजुर्ग उत्थे बैठ के संघर्ष कर रहे हैं और सरकार इस संघर्ष को तोड़ना चाहती है गिराना चाहती है तो मैं भी मजबूर हाँ ये बोलने वा। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। तिलक जंजू राखा पपदाका किनो बड़ो कलू मैं साका। अज वो दिहाड़ा है जो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत हुई चांदनी चौक दे उस धरती के उत्ते जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब जी की धरती जिहड़ी उत्थे गुरु साहब दे लहू रड़िया मैं समझना जिन्हें भी मंदिरां विच टल वजदे हन या जिन्हें भी यह कह लो कि गुरधाम या जिन्हें भी मंदिर हैं उन्होंने सारे प्रोग्राम जो अपने हिंदू गाते हैं वो तो ही गवा पाते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की चांदनी शहादत हुई है। गुरु तेग बहादुर साहब लानी शहादत एलासानी शहादत जिन्हों असं सत सत प्रणाम करते हैं उन्होंने अज मेन विशेष दरबार गुरुद्वारा लखी शाह पंजाज हाल प्रोग्राम चलते पे हैं तो रात 12 बजे तक चलने हैं और कल का वह दिहाड़ा है जिस दिन गुरु साहब के पावन धड़ का संस्कार किया गया। शीस गुरु तेग बहादुर साहब का वो पावन धरती आनंदपुर साहब विखे रंगेटा जी लैके गए लेकिन जोड़ा धड़ का संस्कार वो इतने लखी शाह वनजारा ने अपने झोपड़े को अग ला के किया। उस संबंध के अंदर कल का विशेष समान प्रबंध भी कीर्तन दरबार जो है वह सवेरे अमृत लैके दोपहर बजे तक लखी शाह वनजारा हाल के बजाय मेन हाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब किया जाना है। सत्संग साडे सारे फर्ज बनता है असं गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को हमेशा मजिंदे हिरदे जाग के रखिए और गुरु तेग बहादुर साहब के इतिहास में अपने बच्चों नाल नाल अपने आस पड़ोस सारे दसीए कि जे कोई हिंदू भी रस अपने आप को हिंदू कहवा रहा है तो साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत सदके उन्होंने शहादत देना असं अपना रोम रोम दवा के भी स्वास स्वास दे के भी नहीं करा सकते। सानू उन शहादत अपने बच्चों अपने इतिहास से जोड़ के आने वाले समय में हमेशा याद रखिए गुरु गुरु करके गुरु साहब के असी सारे पात्र बनीए। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। अज धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का शहीदी पुरब है जोड़ा बड़े व्डे पद्धर के उत्ते अज रकाबगंज साहब मनाया जा रहा और मैं समझदा कि देश के दे हर सिख न हर इस देशवासी इस पुरब न व्डे पद्धर से मना चाहिए क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत कल एक फिरके वसे नहीं सी एक जात वसे नहीं सी पूरी मानवता बचाने वसे और जिस तरीके दे नाल जुल्म दे खिलाफ उन्होंने शहादत देती और एक मिसाल कायम की। मैं समझदा कि अज का दिहाड़ा साढ़े सारे लोगों एक प्रेरणा का स्रोत्र है और अज जिस तरीके दे नाल एक होर बड़ी लड़ाई इस देश दे विच लड़ी जा रही है जिहड़े किसान भरा साढ़े लड़ रहे हैं उहदे विच भी सारी संगतां नूं सहयोग करना चाहिए तो मैं सारी संगतां नूं बेनती करांगा कि आपां सारे मिल के अपने किसान भरावां दा भी इत्थे नाल सहयोग करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।